हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बनाने जा रहे हैं रमज़ान स्पेशल पालक पकौड़ा। तो इसकी रेसिपी बहुत ही ईजी होती है, आप इसको अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसमें क्या क्या डलेगा ये बताने से पहले आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को मेरी न्यू वीडियोस मिलती रहे। और बेल आइकन पर क्लिक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलते हैं, अब हम इसमें जो चीज़ ऐड करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें मैं डाल रही हूँ रेड चिली पाउडर 1 टेबल स्पून और 1/2 टेबल स्पून नमक में लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है। इसके बाद हम इसमें डाल रहे हैं 1 चम्मच नमक। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा ज़ीरा मैंने इसमें शामिल कर दिया है। 1 इंच के करीब मैं इसमें अजवाइन ऐड करूँगी। अजवाइन ऐड करने के बाद मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा बेकिंग सोडा, तकरीबन 1/2 टीस्पून के करीब मैंने इसमें बेकिंग सोडा मिला दिया है। मैं इसको अच्छे तरीके से हिलाऊंगी ताकि सारी चीज़ें जो हैं वो आपस में मिक्स हो जाएं। आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से मिक्स हो चुकी हैं। अब मैं इसमें डालूंगी 2 बारीक चौके हुए प्याज इस साइज की कटी हुई, ये मैं इसमें सारी शामिल कर दूंगी। ये मैंने इसमें प्याज शामिल कर दिए और यू कैन सी कि मैं अब इसको मिक्स कर रही हूँ। ये देखिए प्याज को मैंने मिक्स कर दिया, इसमें प्याज इसमें मिक्स हो चुकी है। अब मैं इसमें डालूंगी 5 चौके हुआ पालक। इस पालक को मैं पहले से ही धो चुकी हूँ, आप इसको अच्छे तरीके से धोकर सुखाकर फिर इस बेसन में डालें। ये मैं पालक डाल चुकी हूँ, इसको मिलाऊंगी मैं इसको हाथों की मदद से इसका मिक्सचर बनाऊंगी। पानी लिया है मैंने, आप देख सकते हैं हाथों की मदद से आप बनाएंगे तो मिक्सचर जो है वो बहुत ही अच्छा बनेगा, हमारे पकौड़े जो हैं वो बेस्ट बनेंगे। आप चाहें तो स्पून का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, मगर अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके पकौड़े अच्छे बने तो आप हाथों का इस्तेमाल करें और पकौड़े बनाते हुए भी हाथों का ही इस्तेमाल करें। हमने इसको थोड़ा सा थिक रखना है तो इसमें हम एक्स्ट्रा ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, इसको एहतियात से हमने करना है कि पानी कहीं इसमें ज़्यादा ना हो जाए। ये देखें आप देख सकते हैं कितना थिक हो रहा है ना, तो हम इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हमारी प्याज भी पानी छोड़ेगी। यू कैन सी कि अच्छे तरीके से हमारा बैटर जो है वो बन चुका है। अब हम इसको फ्राई करेंगे, आप देख सकते हैं बिल्कुल इस कंसिस्टेंसी का ये होना चाहिए बिल्कुल। तो अब हम इसको फ्राई करने की तरफ चलेंगे, तो इससे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी क्लिक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।